किसान भाइयों नमस्कार। अभी सोयाबीन की फसल पर फूल आने चालू हो गए हैं और कुछ अर्ली वेराइटीज़ में फूल आ गए होंगे, कर्रे भी बनने लगे होंगे और इस समय जो मध्यम देरी से और देर से पकने वाली वेराइटीज़ है उसमें कहीं कहीं पर आपको येलो मोज़ेक दिखाई दे रहा है कुछ कुछ पौधों में। तो येलो मोज़ेक की पहचान करने के लिए विशेष ध्यान दें, मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। ये पत्ती में आपको चितकबरापना दिख रहा है जिसमें हरे और पीले पत्ते अब उभर रहे हैं और ये चितकबरा है। तो ये YMV है, येलो मोज़ेक वायरस बीमारी है और ये जब अच्छा और इन्फेक्शन हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पत्ता चितकबरा पीला धब्बे इसके उभर के आएंगे और हरे धब्बे रहेंगे। तो ये YMV की पहचान है। तो इस तरह से यदि YMV आपको खेत में दिखे तो आपको सबसे पहले ये बीमारी फैलती है वाइट फ्लाई से, जो सफ़ेद मक्खी होती है उससे फैलती है। इसलिए हमें इस बीमारी को रोकने के लिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु आप थायोमिथॉक्सिम 25 WP का स्प्रे कर सकते हैं और एक कॉम्बिनेशन वाली थायोमिथॉक्सिम और लेम्बड़ा साई हेलोथ्रिन की मिश्रित दवाई होती है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे वाइट फ्लाई का कंट्रोल होगा और ये बीमारी बढ़ने से रुकेगी। तो और इस तरह से किसान भाइयों को मैं भी यह भी आपको सलाह देता हूँ कि यदि इस प्रकार के पौधे आपके खेत में दिखें तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर दें जिससे कि ये बीमारी आगे न फैल पाए। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है, जब कुछ पत्ते पीले पड़ते हैं तो उसमें किसानों को येलो मोज़ेक वायरस और दूसरी जो पीला पड़ने के कारण है उसमें थोड़ा सा लोगों को भ्रमित होते हैं कि सभी पीली पत्तियां उनको येलो मोज़ेक वायरस की दिखती है, परंतु ऐसा नहीं है। आप पहचान करेंगे तो ये आप देख लें, ये येलो मोज़ेक वायरस की पत्ती है और दूसरी जो पत्ती पीली पड़ती है उसका कारण है ये। आप ये देखो, ये पूरी पत्ती पीली पड़ी हुई है परंतु इसकी जो नसें हैं वो हरी है। तो ये आपके आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। जो ज़मीन में आयरन की कमी होती है या सूखा पड़ने से या ज़्यादा बारिश होने से ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये आयरन लोह तत्व की कमी के कारण ये पीलापन आता है। तो वो आप YMV और लोह तत्व की कमी के अंतर अलर्ट से देख सकते हैं कि पत्तियां कैसी पीली पड़ती है और इनको पहचानने में आप भ्रमित ना हों। तो आप लोगों को अनुशंसा है कि इस तरह का भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और YMV के लिए जो मैंने दवाइयाँ बताई है उनका स्प्रे करें। ये जो आयरन डिफिशियंसी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, पानी गिरने पर या सूखा पड़ने पर अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।